तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा वैसे तो व्रत में खाया जाता है, लेकिन आप इसे ऐसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और कितनी जल्दी बनता है ये आप आगे देखेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो वेलकम टू माई चैनल फ्रॉम माई व्यू, और मैं हूँ नीलू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जल्दी से साबूदाना वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, ये लगभग 100 ग्राम है, और इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। ये देखिए, तो ये 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रखा था साबूदाना को, और अब इसका पानी हम निकाल लेंगे। तो एक बर्तन के ले लेते हैं, उस पर छलनी लगाकर हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। साबूदानों का मैंने सारा पानी निकाल दिया है और इसे हम अभी छलनी में ही रहने देंगे, और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें साबूदाना वड़ा के लिए चाहिए वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो तब तक हम इसको छलनी में ही रहने देंगे ताकि अगर इसमें कोई एक्सेस वाटर हो तो वो सारा इसमें निकल जाएगा। तो दूसरा हमको लेना है मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने लगभग 2 से 3 टेबल स्पून हैं, और इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो आप एक पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, और इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना है, ना तेल डालना है ना घी डालना है, सिर्फ ऐसे ही हमें 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे रोस्ट करना है हल्का सा। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके छिलके निकाल कर इनको पीस लेना है। तो इनको ठंडा करने के बाद इनका छिलका निकाल कर मैंने इसको बारीक पीस लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब ये मैंने 3 आलू ले लिए हैं और इनको हमको बॉईल करना है। तो ये आलू को बॉईल कर लिया मैंने और इनका मैंने छिलका निकाल दिया है। अब इनको हम मैश कर लेते हैं मैशर से, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। बस ये अच्छे से मैश होना चाहिए, इसमें कोई गुठली नहीं हो, एकदम स्मूथली मैश हो जाए, तो वैसा ही करना है हमें। तो ये आलू को भी मैश कर लिया मैंने, अब हम हमारे साबूदाने वड़ा को बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये सारे साबूदाने जिनका हमने पानी निकाल के रखा था ये एक बर्तन में ले लेते हैं। तो इस साबूदाने के अंदर हम मूंगफली के दाने जो हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 नींबू का रस, अब 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, शुगर इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, ये नमक मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ जो कि व्रत में खाते हैं, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब इसमें डाल देते हैं मैश किए हुए आलू। तो ये आलू डाल दिए मैंने, अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च भी अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें थोड़ी सी और डाल सकते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं इसमें वो सभी एक साथ अच्छे से मिल जाएं। तो ये हमारा साबूदाना के वड़े का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, अब हम वड़े बनाएंगे। तो अपने हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल से, और इस तरीके से थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेकर और इस तरीके से रोल करना है और ये वड़े का शेप देना है। वड़े को रोल कर लें और एक पेड़ा बनाकर अपने हाथ पर लेकर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दें, और इसके बाद इसके चारों ओर से इसको अच्छे से सेट कर लें और पूरा अच्छे से वड़े का शेप दे दें। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा साबूदाना वड़ा जो रेडी है, और इसी तरीके से हमको सारे वड़े बना लेने हैं। ये हमारे वड़े हमने बना लिए हैं, अब हमें इनको फ्राई करना है। तो हम शेलो फ्राई करेंगे ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना हो। तो ये एक पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल को गर्म हो जाने देंगे अच्छे से। तो ये तेल गर्म हो गया है, इसके अंदर एक एक करके साबूदाने वड़े को हम डाल देंगे और हम इनको शेलो फ्राई कर लेंगे। हमको साबूदाना वड़े को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो ये साबूदाना वड़े मैंने तेल में डाल दिए हैं, अब इनको एक साइड से थोड़ा सा पक जाने के बाद ही इनको पलटना है, पहले नहीं पलटना है वरना ये कच्चे रहेंगे और ये बिखर सकते हैं तेल में, तो इस बात का ध्यान रखें। ये एक साइड से थोड़ा सा पक चुके हैं तो मैं इन्हें पलट देती हूँ, सावधानी से पलटें इनको। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको एक बार हम पलट लेते हैं
और 1 मिनट के लिए और हम इनको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे साबूदाने बड़े बिल्कुल रेडी हैं और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं सबको। ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं और दिख रहे हैं ना बिल्कुल टेम्पटिंग, और ये बने भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।